शिवपुरी में सनातन को छोड़कर 40 परिवारों ने अपनाया बौद्ध धर्म। सनातन धर्म के जबरदस्त प्रचार प्रसार के बीच शिवपुरी से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ के करैरा तहसील के बहगवां गांव में छुआछूत का आरोप लगाते हुए 40 जाटों समाज के परिवार ने सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। घटना 31 जनवरी की है, लेकिन अब वीडियो सामने आया है। झूठी पत्तल उठाने की बात को लेकर बिफरे जाटों समाज के लोग। भीम आर्मी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र बौद्ध ने बताया, गांव में बंजारे में सभी समाज को काम बांटे गए। जाटों समाज को पत्तल परोसने और झूठी पत्तल उठाने का काम दिया गया। इस दौरान गांव के किसी व्यक्ति ने कहा, जाटों समाज के लोग पत्तल परोसेंगे तो पत्तल वैसे ही खराब हो जाएगी, ऐसे में इनसे सिर्फ झूठी पत्तल उठवाने का काम करवाया जाए। इसके बाद गाँव वालों ने कह दिया कि झूठी पत्तल उठाना है तो उठाओ, नहीं तो खाना खाकर अपने घर जाओ। इसी व्यवहार के कारण जाटों समाज ने धर्म बदल लिया। सरपंच का आरोप बौद्ध बिच्छू ने बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवाया। गांव के सरपंच गजेंद्र रावत का कहना है कि जाटों समाज के आरोप निराधार हैं। समाज के लोगों ने एक दिन पूर्व ही अपने हाथ से केले का प्रसाद बांटा था। पूरे गांव ने प्रसाद लिया और खाया भी। गांव में बौद्ध बिच्छू आए थे, उन्होंने लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवाया है। रावत ने कहा, पूरे गांव में किसी भी तरह का काम किसी भी समाज को विशेष को नहीं बांटा गया था, सभी ने मिलजुल कर सारे काम किए हैं। अन्य समाज के लोगों ने भी परोस करवाई और झूठी पत्तल उठाई है, उनके साथ छुआछूत क्यों नहीं की गई। जाटों समाज ने जो चंदा दिया था वो उन्होंने वापस ले लिया। गाँव वालों ने उसकी पूर्ति के लिए दोबारा से चंदा भी किया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और अभी नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। इत्यादि किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा, कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और ना ही पिंडदान करूँगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर चलने का पूर्ता प्रयास करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। मैं उनका लालन पालन करूंगा। अब बुद्ध की 5 पंचशीलें बड़ी सी में समाहित है। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा।